हेलो मराठी पब्लिक। देखो यार, जैसा कि मैंने आप लोग के लिए पहले भी वीडियो बनाया था, जब इसका टीज़र आया था तो अब ट्रेलर आ चुका है, तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट में आया कि ट्रेलर का रिव्यू करें तो मैं दे रहा हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार्ट करने से पहले हाय, माय नेम इज़ जावेद खान, वेलकम टू माई चैनल प्रोफेशनल रिएक्टर। मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। तो वेट का ट्रेलर आ चुका है, देखते हैं। देखने से पहले मैंने अपने पहले वीडियो में ये नहीं बताया था कि ये मूवी साउथ की कॉपी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मूवी का या फिर इसके एक्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। तो पहले से बनती आ रही रिमेक यार, साउथ की तेलुगु, तेलुगु की हिंदी, हिंदी की मराठी, मराठी गुजराती बनते आ रहे हैं, डजंट मैटर। अभी ये देखते हैं हम और इस पर रिएक्शन करते हैं। ओके, हियर वी गो। लवली स्माइल आणि माझ्याती इतकी वर्ष झाली आता तुझ्या लग्नाला, कधी दोन शब्द प्रेमाचे, कधी बाहेर फिरायला नेले तुला, त्याचे ओरडते मलाच पोचवायला बघ तू काल कपडे। आय लव्ह दिस ऍक्टर। तुझ्या खिशात हे सापड नक्की माझ्याच खिशात। घरी नवरा समोर भाऊबीसारखी गप्प असते, हा मराठी लँग्वेज टू गुड, लवली। मी तिला आठवायला पितोय की विसरायला, हेच मला कळत नाही। का केलंस माझ्याशी लग्न तू? लवली सॉन्ग, लवली सॉन्ग। सॉन्ग शायद काटना पड़ेगा मुझे। त्याच्यावर प्रेम करायचं दुखणं तुम्हाला नाही कळणार बाबा। कूल। तुला काय सिद्ध करायचं की तू लहान आहेस, पण प्लीज माझ्या गोष्टींपासून आणि माझ्यापासून लांब बस। आपल्या लग्नाला 7 वर्ष झाली, मला आपल्यातली एक गोष्ट आठवते, तुम्ही आपल्यातला एक क्षण तरी सांगू शकता? कूल कूल, सुपर सुपर सुपर। आई लव दिस स्पीच। म्यूजिक बहुत अच्छी है, कास्टिंग तो सुपर है ही। आई लव रितेश जिनेलिया, तो मेड फॉर इच अदर। और अब बातें इसके गुड बातों पे ये है कि इसके अंदर आपको सलमान खान देखने को मिल सकते हैं। यस, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही शूट साथ में कर रहे थे लोग इस मूवी की ही, तो इफ़ ऐसा हो सकता है कि देखने को मिल जाए, क्योंकि कास्ट लिस्ट में थी। एंड सेकेंड थिंग कि और मतलब समझ लो कि दूसरा कबीर सिंह रेडी है आने के लिए मार्केट में। ये वही फील दे रहा जो पहले कबीर सिंह ने दिया था, फुल लव स्टोरी, फुल क्रेजी। और इसमें सीन ऐसा है कि इनकी ऑलरेडी एक पार्टनर होती है जिससे प्यार करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है। ये तो एक टिपिकल बट लव स्टोरी है अच्छी वाली, तो मैं देखने जाऊँगा भले मराठी में क्यों ना रिलीज़ हो। एंड वो कहते हैं ना कि सफ़र वो करते हैं जिनको मंजिल की तलाश होती है, ये भी इनका सफ़र है, क्योंकि कुछ फिल्में इनकी पिट चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस नहीं आ सकते, ज़रूर कम बैक करेंगे, इंशाल्लाह कम बैक करें तो बहुत ही अच्छी की बात है। एंड अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।